रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के मद्देनजर आरपीएफ आईजी पहुंचे अयोध्या, तीनों स्टेशनों का किया निरीक्षण। राजस्थान में करनी सेना के कार्यकारी अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, मामले में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। हरदोई में सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में किया बुद्धि शुद्धि हवन, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के नेतृत्व में कार्यक्रम। सिद्धार्थनगर में नशीली दवाओं का सेवन रोकने के लिए अभियान, आमिर मेडिकल स्टोर पर की गई छापेमारी। लखीमपुर खीरी में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल, बुजुर्ग महिला को नहीं मिला स्ट्रेचर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगामी 22 जनवरी को होने वाले भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली के आरपीएफ आईजी एएन मिश्रा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या कैंट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और दर्शन नगर स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का भी निरीक्षण किया गया और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जमीनी हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और हम लोग हर स्तर पर समन्वय रेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को आगामी एक बहुत बड़ा त्यौहार और उत्सव और राम लला मंदिर की उद्घाटन की बात की गई है, तो उस संबंध में आज मैं आया था और यहाँ पर आकर मैंने आरपीएफ से और जीआरपी से दोनों से कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है और हम लोग हर एक स्तर पे समन्वय कर रहे हैं रेल प्रशासन से, बाहर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, जिससे कि आने वाले जो श्रद्धालु होंगे उनको हम लोग अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकें। बहराइच में राजपूत करनी सेना के बैनर तले कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने करनी सेवा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर को सौंपा। उन्होंने कहा कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह की दो संदिग्ध व्यक्तियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, हम लोग मांग करते हैं कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाए। उन्होंने आगे कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में वो उग्र आंदोलन करेंगे। दरअसल मांगे ये हैं कि जो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई है उनको तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको जल्दी जल्दी फांसी की सजा दी जाए और जितने लोग उनके पीछे सम्मिलित हैं, ये दरअसल उन्हीं के द्वारा नहीं चलाई गई गोली, उनके पीछे कई लोग शामिल हैं, उन सभी का नाम सामने आना चाहिए चाहे वो कोई भी हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे देश में करनी सेना व क्षत्रिय समाज उग्र आंदोलन करेगा। हरदोई के प्रभारी डीपीआरओ के सद्बुद्धि के लिए सफाई कर्मियों ने कलेक्ट्रेट में बुद्धि शुद्धि हवन किया। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सफाई कर्मी संघ के प्रभारी अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रभारी डीपीआरओ नियुक्ति अधिकारी बनकर बर्खास्त कर वेतन रोक रहे हैं। साथ ही प्रभारी डीपीआरओ पर दलित एक्ट और धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्रवाई न होने तक धरना जारी रहेगा। जनपद हरदोई के जो प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी है उनकी बुद्धि सही नहीं, इनकी बुद्धि सही करने के लिए हम लोगों ने आज हवन और यज्ञ किया है, क्योंकि ये प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी है और लेकिन ये नियुक्ति अधिकारी की हैसियत से हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए। शासन प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर 400 विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए और दलित उत्पीड़न में। ये धरना प्रदर्शन सफाई कर्मचारियों के लेकर के हो रहा है, इनको प्रताड़ित किया गया, इनका शोषण हो रहा है। आज ये हवन जो है डीपीआरओ प्रभारी जो है श्री विनय कुमार जी, इनकी सद्बुद्धि को सही करने के लिए आज ये भवन किया गया है और सफाई कर्मियों को अनर्गल बर्खास्त किया गया है जो कि इनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जो कार्य क्षेत्र में आता हो उसमें संबंधित आप काम करना चाहिए, जो कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा है उसमें बर्खास्त किया गया, वेतन रोका गया है, इसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्षेत्र की अन्य किसानों की विभिन्न समस्याएं हैं क्योंकि सफाई कर्मियों को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है और दोषी डीपीआरओ प्रभारी जो है विनय कुमार जी, इन पर कार्रवाई नहीं होती है।
सिद्धार्थनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशीली दवाओं का सेवन और दुरुपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील के आमिर मेडिकल स्टोर पर पहुंचकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान आमिर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर से दो नमूने आहरित करते हुए संदिग्ध दवाओं के दो नमूनों को सीज किया गया। प्रतिबंधित औषधि को प्रयोगशाला के लिए भेज दिया गया है, साथ ही आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। लखीमपुर ओयल में स्थित जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी हैं, जहां एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद एक युवक अपनी बीमार बुजुर्ग मां को गोद में लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। अस्पताल में बुजुर्ग मां को गोद में लेकर घूम रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चंदौली के अलसुबा नक्सल क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में चार बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 3 दिसंबर को दिलबगरा पहाड़ी जंगल से 5 बदमाशों ने असलहे के बल पर बुलेरो से लूट की थी। वहीं लूट की गई बुलेरो गाड़ी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दो लोग गोली लगने से हमारे अस्पताल में आए, सुबह पुलिस द्वारा लाया गया है, और जिसका मैंने इलाज करके और मेडिको लीगल करके चंदौली के लिए फर्दर मुझे रेफर कर दिया है। कब कब की वारदात है डॉक्टर साहब? कब? हमारे अस्पताल में लगभग 8 बजे सुबह है। वो दोनों लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ जानकारी है आपको? ये शायद मिर्जापुर जिले 5 अभियुक्तों ने कारित की थी। उस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगी थी। आज सुबह नवगढ़ थाना पुलिस और चकिया थाना पुलिस ने एक उत्कृष्ट कार्य करते हुए इस घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मुठभेड़ में सोनू उर्फ अनिल को हाथ और पैर में गोली लगी है। इसके अलावा सुनील, फागू और अनमोल, इन तीनों को पैर में गोली लगी है। 5 अभियुक्तों ने कारित की थी। उस महोबा कोतवाली इलाके की पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कांस्टेबल की जहरीली पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिसकर्मी की मौत से विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि महोबा पुलिस लाइन में तैनात सिपाही कौशाम्बी जिले का रहने वाला है, जो कई सालों से महोबा पुलिस लाइन में तैनात था। वहीं मृतक सिपाही ने आज जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। क्या पूरी घटना है और किन परिस्थितियों में क्या? जनपद पुलिस लाइन थाना और जनपद पुलिस लाइन महोबा में तैनात सत्य प्रकाश मिश्रा, जो हेड कांस्टेबल के पद पर थे और पुलिस लाइन में तैनात थे, आज उनके द्वारा जहर खा लिया गया, जिनको तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी दुखद मृत्यु हो। प्रथम दृष्टया जहर खाने से ही मृत्यु हुई है, जैसे डॉक्टरों ने बताया है, और बाकी आगे संबंधित कार्रवाई की। प्रयागराज में आयोजित होने वाले 2025 के महाकुंभ के लिए 2019 में आयोजित हुए महाकुंभ से भी ज्यादा दिव्य और भव्य माना जा रहा है। इसके साथ ही 2024 में आयोजित होने वाला माघ मेला भी महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश किया जाएगा। माघ मेले की सभी तैयारियां दिसंबर 2023 तक पूरी कर ली जाएंगी, जबकि महाकुंभ 2025 की तैयारियां दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बात की जानकारी सूबे के जल शक्ति मंत्री ने माघ मेले और महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद दी। माघ और कुंभ मेले को लेकर समीक्षा हुई है। प्रगति ठीक चल रहा है और समय के अनुसार जो तिथि निर्धारित है उस तिथि के अनुसार सभी विभागों ने अपना काम जो कार्य कर रहे हैं स्पीड के साथ काम कर रहे हैं, और माघ मेला भी और दिव्य भव्य कुंभ भी आने वाला 2025 में सफल होगा और 2019 का जो भव्यता थी, दिव्यता थी, उससे भी अच्छा ये कुंभ मेला हो इसकी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।